नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दुनिया की सबसे चर्चित और प्रतिष्ठित क्रिकेट टूर्नामेंट इंडियन प्रीमियर लीग का महासंग्राम प्रारंभ हो चुका है। अब तक 5 मैच समाप्त हो चुका है, 5 टीमों ने अपना प्रथम मुकाबला जीता है, तो 5 टीम की प्रतिष्ठा दो मील हुआ है। छठवां मैच 25 मार्च को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और पंजाब किंग्स के मध्य बेंगलोर के एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां पंजाब किंग्स के खिलाड़ी अपना पहला मुकाबला जीतकर दुगने उत्साह के साथ मैदान पर उतरेगी। वही फाफ डुप्लेसी के नेतृत्व में उतरने वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम को अपने पिछले मैच की गलतियों और कमियों से सीख लेते हुए काफी कुछ सुधार के साथ मैदान में उतरना चाहेगी। अगर पूर्व में खेले गए मैचों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाए तो अब तक दोनों टीमों ने आपस में 30 मैच एक दूसरे के खिलाफ खेला है। ओवरऑल हेड टू हेड खेले गए रिकॉर्ड की बात की जाए तो पंजाब किंग्स ने 17 मुकाबले में विजय गाथा लिखा है, जबकि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम ने मात्र 13 मैचों में विजय फताका फहराने में कामयाब हो सकी। वही मोहाली में खेले गए मैचों की बात की जाए तो दोनों टीमों ने 6 मैच खेले हैं, जिसमें से दोनों ने 3-3 मैचों में जीत दर्ज की है। जिस ढंग से आरसीबी के खिलाड़ी चेन्नई के खिलाफ खेले गए प्रथम मैच में गैर जिम्मेदाराना ढंग से बल्लेबाजी कर 78 रनों पर 5 विकेट गंवाकर संघर्ष करते हुए दिखाई दिए, वह सबसे बड़ी समस्या है। वो तो भला हो अनुज रावत और दिनेश कार्तिक का, जिन्होंने सूझबूझ का परिचय देते हुए स्कोर को 173 रनों तक ले गए। अनुज रावत ने 25 गेंदों में 48 रन और दिनेश कार्तिक ने नबाद 26 गेंदों में 38 रन ने लगभग संघर्ष करने लायक स्कोर तक लाके खड़ा कर दिया, जबकि मुख्य बल्लेबाज विराट कोहली 21, ग्लेन मैक्सवेल 0, रजत पाटीदार 0 और आरसीबी के सबसे महंगे खिलाड़ी कैमरन गिन के 22 गेंदों में 18 रन टीम की लुटिया डुबाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। सीएसके के मुस्तफिजुर रहमान ने आरसीबी के मुख्य बल्लेबाजों को अपना शिकार बना उनके कमजोरियों को उजागर कर दिया। आगे के मैचों के लिए आरसीबी के कोच और कप्तान को इन कमजोरियों के निराकरण के लिए तत्काल प्रभाव से चिंतन मनन कर आवश्यक सुधार अति आवश्यक है, वरना आगे आरसीबी के लिए ये छोटी छोटी कमियां और कमजोरियां नासूर बन सकती है, जो टीम के लिए काफी घातक सिद्ध हो सकता है। वहीं अगर पंजाब किंग्स की बात की जाए तो जिस बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर दिल्ली कैपिटल्स के स्टार से भरे पड़े टीम पर अंकुश लगाकर महज 174 रनों पर रोककर 175 रन के लक्ष्य को हासिल कर अपना पहला मुकाबला जीतकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। हम अपने प्रदर्शन से किसी भी टीम का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। पंजाब किंग्स के हरफनमौला खिलाड़ी सैम कोरन ने 63 रनों की अर्धशतकीय पारी खेलकर अपने टीम को विजय लक्ष्य तक पहुंचाया, जबकि लिविंगस्टोन ने नबाद 38 रन की पारी खेलकर अपना मंसूबा जाहिर कर दिया था। अगर दोनों टीमों के बल्लेबाजी और गेंदबाजी पर नजर डाला जाए तो आरसीबी की अपेक्षा पंजाब किंग्स की टीम ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि मैच आंकड़ों या कागजों पर दिखाई दे रहे मजबूत टीम के सहारे कभी मैच नहीं जीता जा सकता। मैच जीता जाता है मैदान पर उत्कृष्ट बल्लेबाजी, घातक गेंदबाजी, चपल और कुशल क्षेत्र रक्षण की बदौलत ही मैदान पर मैच जीता जा सकता है। खैर, अभी तो आईपीएल का शुरुआती चक्र प्रारंभ हुआ है, देखते हैं भविष्य में उस किस करवट बैठता है। बस हम दोनों टीमों के खिलाड़ियों को यही शुभकामनाएं देती हैं कि एकाग्र चित्र होकर खेले, अच्छा खेले, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन कर अपने राष्ट्र की टीम को रोशन करे। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मैच लिए दोनों टीमों के जो संभावित 11 है वो क्या हो सकती है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले पंजाब किंग्स के संभावित 11 के बारे में आपको बताती हैं। शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद सैम करन, लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा जो कि विकेट कीपर है टीम के, शशांक सिंह, हरप्रीत बरार, हर्षद पटेल, खाकिसो रबाडा, राहुल चहर और अर्शदीप सिंह। दोस्तों, बात करते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की आज के मैच के लिए संभावित 11 के बारे में। दोस्तों, फाफ डुप्लेसी और विराट कोहली आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, दिनेश कार्तिक, अनुज रावत, कर्ण शर्मा, अलजारी जोसेफ, मयंक डहर और मोहम्मद सिराज। दोस्तों, ये हो गई दोनों टीमों की संभावित 11। दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या राय है जरूर से कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।